बैक टू आवर चैनल गाइस, टिकर ऑटोमोबाइल्स। आज हमारे पास न्यू स्विफ्ट आई है 2020 मॉडल। बेसिकली ये 3-4 महीने पुरानी गाड़ी है। तो प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी के ऊपर जो कबूतर ऊपर बीट कर देते हैं, कबूतर कौवे, तो अगर आप उनको रिमूव नहीं करेंगे टाइमली तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ये क्लाइंट ने 4 महीने पुरानी गाड़ी है, कबूतर की बीट जो कि हमने डायग्नोज किया, अभी कबूतर की बीट की ड्रॉपिंग की वजह से पेंट डैमेज हो गया। आप देख सकते हैं सारा पेंट फट के पीछे की चद्दर आ गई है। क्लाइंट को लग रहा था कि ये गाड़ी रीपेंटेड है, डीलर ने उनको चीट करा है और रीपेंटेड पीस हमको पकड़ा दिया है। बट हमने इसको प्रॉपर डायग्नोज करा, चेक करा कि नई पेंट ओरिजिनल है इसका, और जो ये पेंट में प्रॉब्लम आई है दैट इज़ ड्यू टू बार ड्रॉपिंग। सो आपके लिए एक एडवाइस है, अगर आपके गाड़ी के ऊपर भी कबूतर या चिड़िया या कौवा ड्रॉपिंग उनकी गिरती है तो काइंडली प्लीज़ रिमूव देम एज क्विकली एज पॉसिबल, उनको जमने ना दे, नहीं तो आपका पेंट डैमेज हो सकता है। क्योंकि इनकी ड्रॉपिंग के अंदर एक अच्छे लेवल का तेजाब होता है जो हमारे पेंट को डैमेज करता है। चलिए अब इस पेंट डोर के पेंट प्रोसीजर को मैं आपको आगे दिखाता हूँ और इसको कैसे इसको पूरा दोबारा से रीपेंट करके जैसा पहले था वैसे करते हैं इसको। थैंक यू। सो जैसे आप देख सकते हैं ये वही स्विफ्ट कार है जिस पे डोर पे बोल्ट बर्ड ड्रॉपिंग की वजह से पेंट खराब हो गया था। इसका सरफेसर कोट एंड चेक पट्टी कोट हो चुका है एंड इस पे बेस कोट डल चुका है। अब इसके बाद पर्ल कोट डलेगा एंड पर्ल कोट के बाद क्लियर हार्डनर का एक कोट लगेगा। इसके बाद इसे हीटिंग के लिए छोड़ देंगे एंड इसका फिर आगे का प्रोसेस होगा। रेडी हो गई है, डोर इसका पेंट हो चुका है और जैसे पहले कंपनी से पेंट फिनिश था सेम हमने फिनिश वो दे दिया है। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप गाड़ी को अपनी नीट एंड क्लीन रखें और इन केस अगर आपकी कार्स पे भी बर्ड ड्रॉपिंग्स या बीट वीट गिरती है तो उसको रेगुलरली आप क्लीन करते रहें, नहीं तो जरा सी लापरवाही आपको पेंट डैमेज कर सकती है एंड देन यू हैव नो चॉइस, आपको उसको दोबारा रिपेंट करना। तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिखर ऑटोमोबाइल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ उसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।